खगड़िया जिले के रहीमपुर स्थित कुमार चक्की NH 31 पर दो टेम्पो की आपस में आमने सामने की टक्कर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भेज दिया गया है। वहीं मृतक व्यक्ति के पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई में भेज दिया गया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए खगड़िया से पवन कुमार की रिपोर्ट। हमने मारा कि कुमार चक्की के आसपास जो है दो टेम्पो आपस में टकराया, जिसमें से जो है इस व्यक्ति से आदमी घायल हो गया है और सुनने में आया है कि एक मृत्यु हो गई है। 20-25 जो है सुनने में आया कि दो टेम्पो का आपस में टकराव हुआ, जिसके कारण जो है गंभीर से जो है दुर्घटना हो गई, जो आदमी घायल हो गया है। किसी की मौत भी हुई है, ये सुनने में आया है। अभी कार्य नहीं दिया, हेलो कार्य मिलने के बाद हम कंफर्म करेंगे। ये NH 31 में जो कुमार चक्की गांव है उसके पास की घटना है। आमने सामने दो ऑटो का टक्कर हो गया। आज दर्जनों हरी अस्पताल में जख्मी हैं, एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। क्या लगती व्यवस्था क्या है हमको? ये तो ट्रैफिक सिस्टम को प्रशासन को सुधारना चाहिए। और जब अभी इस कोरोना वायरस को लेकर के बिहार में लॉकडाउन 30 जून तक ऐसे भी है, कुछ छूट दे करके 8 जून से लोगों को फ्री किया गया है, लेकिन लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर फिजिकल डिस्टेंस बनाकर के लोगों को यात्रा करना था, लेकिन लोग भी इसको गंभीर रूप से नहीं लिए। और यहाँ का जो परिवहन व्यवस्था है, ट्रैफिक सिस्टम है जिला का, वो तो उसकी व्यवस्था में काफ़ी कुव्यवस्था है। आप खगड़िया में भी देखने को मिलेगा और आप देख लीजिए जितने भी यात्रा हो रहा है, चाहे वो ऑटो रिक्शा पे हो, चाहे आप ई रिक्शा पे हो, सभी पर पूरा भीड़ कसमकस रहता है। ये गंभीर विषय है, इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं पुनरावृत्ति, इस घटना की पुनः पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर सख्त से सख्त इसको सुधार किया जाए।